झारखंड में कई ऐसे मेगालिथ स्थल हैं जो घने जंगलों में गुम है। आज मैं इसी कड़ी में झारखंड राज्य के चतरा जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर गिद्धौर प्रखंड के मसूरिया गांव में एक मेगालिथ स्थल स्थित है, जिसे स्थानीय लोग इसे मंधनिया के नाम से जानते हैं। मसूरिया गांव के घने जंगलों में एक बड़े बरगद पेड़ के नीचे हजारों की संख्या में बड़े बड़े पत्थरों का जखीरा गड़ा हुआ है। यह स्थल पर भूमि के ऊपर आड़ी तिरछी बड़े पत्थर नजर आते हैं और कुछ पत्थर भूमि के नीचे दबा पड़ा है। भूस्खलन या प्राकृतिक अपरदन के कारण पत्थर भूमि के ऊपर कुछ नजर आते हैं और कुछ गिरे हुए हैं या जमीन के नीचे दबा हुआ है। इस स्थल पर बड़े शिलालेख भी पाए गए हैं, कुछ लिखा हुआ है जो अपठनीय है। इस स्थल की एक खास विशेषता है बलुआ पत्थर से निर्मित बड़ा मथाइन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दही मथने का बर्तन, और एक चिकनेदार ग्रेनाइट पत्थर पर गाय बछड़े का चित्र अंकित है, जो बछड़ा गाय का दूध पी रहा है, और इस चित्र के आगे पीछे दो बैल या गाय का चित्र अंकित है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्थान पर आकर पूजा पाठ करने से मांगे गई हर मन्नत पूर्ण होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं मंधनिया का यह स्थल। यह एक बड़े बरगद पेड़ के नीचे हजारों की संख्या में बड़े बड़े पत्थर आड़े तिरछे गड़े हुए हैं। आप यह देख रहे हैं। इस खोज में हमारे साथ आज हैं मसूरिया गांव के स्थानीय निवासी चांदो प्रजापति विकास कुमार और गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय के राजूलाल वर्मा जी, लखन दांगी जी, ब्रह्मदेव दांगी, कविंदर दांगी और छोटू लखन। मैं इन लोगों के सहयोग से इस स्थल पर आपको लिए आया हूं। आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि कितने दुर्गम स्थलों से होकर मैं इस घने जंगल में एक बरगद पेड़ के नीचे पहुंच चुका हूं। आइए हम यहां आपको विस्तार से बताएंगे कि यह जो मथनिया या मेगालिथ स्थल जो स्थित है, जो घने जंगलों में गुम है, आज तक प्रशासन की नज़र इस पर नहीं पड़ी है। हम आपको एक विशेषता हम आपको यहां बताते हैं कि आखिर इस स्थल में क्या खास बात है जो हमें यहां आकर्षित करती है। आइए हम आपको दिखाते हैं। इस स्थल की खास विशेषता है मथाइन, अर्थात दही मथने या दूध मथने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसे मंधाइन कहा जाता है। इस स्थल पर एक बड़े आकार का बलुआ पत्थर से निर्मित वृत्ताकार मथाइन है। शायद इसी के कारण इस स्थल का नामकरण मंधनिया के रूप में किया जाता है। आप यह देख रहे हैं। इस मथाइन की खास विशेषता है कि यह जो पत्थर है या जो नकाशीदार मथाइन है, यदि इसे हम हटाकर मंधाइन से अलग कर दें तो कुछ समय के बाद यह अपने आप मथाइन पर सेट हो जाता है। लगता है टूट गया है यह जो मंधनिया है, ये लगता है टूट गया है, यह पत्थर टूट गया है। प्राचीन काल से ये भी देखिए, इसकी नकाशी देखिए, ये देखिए कितना सुंदर है इसकी बनावट। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये सुंदर बनावट। ये टूट गया है यहाँ, ये टूट गया है, ये लगता है हल वाला है, ये हल वाला या मथने का कुछ है। हल वाला सामान, ये देखिए क्या बोलते हैं, ये देखिए ये मंधनिया है। ये आप ये इसी को मंधनिया के नाम से, मंधनिया माता के नाम से यह फेमस है। और गांव के हैं, इसे घुमा कर देखते हैं। ये खोलने की शायद चाबी है, लोग इसे नहीं देख पाते हैं ये क्या है। यह पत्थर को लोग कहते हैं कि उतार देने के बाद पुनः अपने चढ़ जाता है, इसे इसी को मंधान कहते हैं। प्राचीन काल का मंधान है, मंधान, इसीलिए इसको इस स्थल को मंधनिया बोलते हैं। माथा महने का ये एक स्थल है, मंधनिया कहते हैं। देखिए ये घूमता है कैसा है, आप देख लीजिए मंधनिया।
अपने आप यहाँ सेट हो जाता है। क्या चांदो जी आप सामने आइएगा, आप आइए। क्या इसका क्या विशेषता है? इसको नीचे रिलैक्स देने के बाद आपने अगर रख दे ऐसे छोड़ देंगे तो चांदू जी का कहना है कि यह एक दो दिन के अंदर ये अपने आप इस मंधनिया में चढ़ जाएगा, ये सत्यता है। आखिर यह क्या वजह है? बच्चा लोग दूर दूर में मिले किया हाँ। लेकिन अपने लाइन के यहाँ फिर चढ़ जाएगा। देखिए इनका कहना है कि यहाँ के बच्चे लोग इसको दूर में भी ले जाते हैं, लेकिन यह जो स्थल है लोग कहते हैं कि इसको दूर दूर में ले जाने के बाद भी यह स्थल यहाँ अपने आप अपने आ जाता है। हाँ, और इसीलिए ये मंधनिया कहते हैं, इसकी यह सत्यता है। यदि इसको हम लोग उधर ले जाकर रख दें चांदो जी, तो क्या यह कितना दिन में यहाँ ऊपर में आ जाएगा? कोई देखता नहीं कखनी चलाता है, लेकिन एक दो दिन में आ जाता है। अच्छा, देखिए हमारे स्थानीय लोग जो हैं इनका कहना है कि इसको यदि हम लोग उतार कर रख भी दें तो एक दो दिन के अंदर ये ऊपर में आ जाता है। चलिए, जय जो भी चुंबकत्व हो इसका, हो सकता है कुछ चुंबकत्व है या प्राचीन काल का मंधायन है। आप इसका देखिए नकाशी, इसकी बनावट आप देखिए। आपको हम इसका बनावट दिखाते हैं एकदम क्लोज करके। कैमरामैन थोड़ा सा क्लोज रहिए और इसको क्लोज में दिखाइए कि यह किस प्रकार का बना हुआ है। कि मंधायन, मंधायन मतलब ये घेला की तरह है। जब मथते हैं, मथने का काम जब करते हैं तो ये घूमता है, दही घूमने जैसा करता है। ये देखिए देखिए मंधान में जो रहता है ना ये हाँ हुआ। देखिए मंधान में ये चिन्ह कटा हुआ है। अब देखिए ये जो दही मखने का काम है, ये देखिए ये पत्थर कितना प्राचीन है। इस मंधान के अलावे इस स्थल की दूसरी खास विशेषता है गाय बछड़े का चित्र। एक गाय का दूध बछड़ा पी रहा है, इसके आगे एक गाय है और पीछे एक वृषभ अर्थात वैल है। यह तीन चार जानवरों का चित्र अंकित है। एक चिकनेदार पत्थर पर, ग्रेनाइट पत्थर पर यह उकेरा गया है। यह काफ़ी स्पष्ट है, यहाँ स्थानीय लोग पशु देवता के रूप में इसे पूजते हैं। प्रत्येक दीपावली के बाद गोहर के दिन यहाँ पूजा पाठ की जाती है। लोगों का कहना है कि यहाँ मन्नतें मांगने से हर मन्नत पूर्ण होती है। शायद यह स्थानीय लोग पशु चारक होंगे जिसके कारण इसे देवता के रूप में पूजते हैं। और यह देखे, यह कृषि प्रधान क्षेत्र है जिसके कारण यह पत्थर का एक हल यहाँ पाया गया है। यहाँ अन्य हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। झंडा गाड़ कर और यहाँ से झंडा उठाकर सीधे गिद्धौर महारामनवमी मेला में लोग ले जाया करते थे, कुछ दिनों से बंद है। और जब से हम लोग सुन रहे हैं मंधनिया मंधनिया, तब से हम लोग को जब भी रामनवमी होता है तब से याद आ जाता है कि देखिए हमारे मसूरिया और रोहमर के भाई लोग झंडा लेके इस वर्ष नहीं आए हैं, आखिर क्या कारण है? तो पता चला कि जैसे अभी झंडा लोग बंद कर दिया है, यहाँ किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण इन लोग निराश होकर, पड़ोस के गाँव वाले निराश होकर लोग छोड़ दिए। लेकिन अगर किसी तरह कोई सुविधा यहाँ दिया जाए प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, तो यहाँ कुछ आगे चलकर माँ भद्रकाली, जैसे माँ भद्रकाली है आपका कौलेश्वरी है, उसी तरह यहाँ भी जैसे कुछ किया जा सकता है। और आप लोग देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कोई झूठ बात है, सच्चाई में जो है सब जगह देखिए यहाँ गाय और बछड़ा, गाय और बछड़ा का जो ऐसे चित्र है। हमको विजय करा दीजिए तो क्या क्या लेके क्या बोलते हैं यहाँ पे? मंधनिया बोलते हैं जी। ये मंधनिया वाली माँ के नाम से फेमस है। यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो मन्नत पूर्ण होता है, जैसा हमारे चांदो जी कह रहे हैं। चलिए धन्यवाद। यह घने जंगलों में झारखंड राज्य के गुमनाम मेगालिथ स्थल आप देख रहे हैं, जहाँ हजारों की संख्या में आड़े तिरछे पत्थर गड़े हुए हैं। मेगालिथ ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा पत्थर, और यह परंपरा मानव इतिहास में महापाषाण काल से प्रारंभ हुई है और यह परंपरा आज तक चला आ रहा है। यहाँ एक शिलालेख पाया गया है और इस शिलालेख में एक लेख लिखा गया है। यह किस लिपि में है और किस समय का है, यह शोध का विषय है। यदि कोई पुरातत्वविद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि आप यहां आकर शोध जरूर करें।
यहाँ कई ऐसे पत्थर हैं जिसमें कुछ न कुछ उकेरा गया है जो अपठनीय है। और इस स्थल पर एक खास विशेषता है खगोलीय स्थल के रूप में। शायद प्राचीन काल के मनुष्य समय निर्धारण के लिए इस स्थल का प्रयोग करते थे, तो मैं भी इस स्थल को समय निर्धारण के लिए सूर्यास्त के समय यहाँ पहुँचा हूँ। और हम देखते हैं कि सूर्यास्त की किरणें दो पत्थरों के बीच किस प्रकार पड़ती है और प्राचीन मनुष्य किस प्रकार समय का निर्धारण करते थे। तो आइए देखते हैं। यह देख रहे हैं दो पत्थरों के बीच सूर्य की किरणें किस प्रकार पड़ रही है। शायद इसी प्रकार मनुष्य समय का निर्धारण करते थे। यहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ भी पाया गया है, लेकिन इसके मूल जड़ें नहीं हैं, इसकी टहनियाँ ही जड़ का रूप धारण कर ली है और ऊपर में बड़ा वृक्ष तैयार है। यह बरगद का पेड़, इसकी जड़ें जगह जगह पर बरगद का विशाल रूप धारण कर लिया है और इन्हीं बरगद पेड़ के नीचे यह हजारों की संख्या में यह मेगालिथ स्थल स्थित है। पत्थर गड़े हुए हैं, आप यह देखिए, यह चारों ओर दूर दूर तक बरगद की पेड़ें जड़ बना चुकी है। आप यह देख रहे हैं, यह मनोरम दृश्य पर्यटकों को यहाँ आकर्षित कर रही है। जो बरगद का पेड़ है, यह देख रहे हैं बरगद का कुछ जड़ें नजर आ रहा है। ये जो जड़ है, हाँ दिखाई, ये भी जड़ है, बरगद का जड़ है, ये देख रहे हैं बरगद का जड़ है। हाँ, ये भी जड़ है, देखिए बरगद का जड़ है, बरगद का जड़ है, देखिए ऊपर से बरगद का जड़ है, डाली, फिर बरगद का जड़। कि कितने घने जंगलों के बीच में यह स्थल काफ़ी प्रसिद्ध है। यह स्थल काफ़ी मनोरम दृश्य है, यहाँ की मंधनिया माता के नाम से फेमस है। हाँ, जो यहाँ मन्नत मांगते हैं उसकी मन्नतें पूर्ण होती है। ये मसूरिया के लोग यहाँ रामनवमी में झंडा गाड़ने का काम करते हैं। यहाँ बजरंगबली का झंडा गड़ाता है, ये देख लीजिए, अभी भी झंडा टंगा हुआ है। बहुत मेहनत और खोजबीन के बाद यह स्थल आप तक पहुँचा रहे हैं। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपकी पहुँच चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपकी पहुंच चैनल फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। यदि अभी तक फेसबुक पर हमारा इस चैनल का फॉलोअर नहीं बने हैं तो कृपया करके उसका फॉलोअर ज़रूर बन जाएं, ताकि हमारे इस चैनल पर कॉमेडी वीडियो और नए नए खोज आप तक पहुंचाए जाते हैं वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।